कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर देश भर में लागू लॉकडाउन 3 की मियाद रविवार को खत्म हो रही है। अभी वायरस जिस तेजी से बढ़ रहा है उसे देखते हुए तीसरी बार लॉकडाउन का बढ़ाना तय है, जिसका संकेत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में दिया था। लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि लॉकडाउन 4 में कई तरह की छूट दिए जाने की संभावना है। इस बारे में अब तक किसी भी वक्त ऐलान किया जा सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सबसे पहले 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया था। बाद में इसे बढ़ाकर 3 मई कर दिया गया था। उसे भी बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया गया। अब तीसरी बार लॉकडाउन फिर बढ़ने वाला है। इसके साथ आपको बता दें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शर्तों के साथ इजाजत संभव है। ऑटो रिक्शा और कैब एग्रीगेटरों को शर्तों के साथ इजाजत दी जा सकती है। उन्हें अधिकतम 2 यात्रियों को बैठाने की अनुमति दी जा सकती है। घरेलू उड़ानों को भी मंजूरी दी जा सकती है, शर्तें कि जहां से फ्लाइट जानी हो और जिस जगह पर उसे पहुंचनी है वो दोनों संबंधित राज्य के लिए राजी हो। केंद्र तो सभी घरेलू उड़ानों को शुरू करना चाहता है, लेकिन कई राज्य इसके विरोध में है। रेड जोन में मेट्रो सर्विसेज को आगे भी सस्पेंड रखा जा सकता है। रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स को भी कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी जा सकती है। कंटेनमेंट जोन में और ज्यादा सख्ती हो सकती है। किस जोन में किन गतिविधियों की इजाजत रहे इसे तय करने का अधिकार राज्यों को मिल सकता है। इसके साथ आपको बता दें कि अब तक केंद्र सरकार ही रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन तय कर रही है। इसमें बदलाव भी केंद्र ही कर सकता है। हालांकि राज्य मांग कर रहे हैं कि उन्हें जोन तय करने और किस जोन में किन तरह की गतिविधियों को इजाजत रहे या तय करने का अधिकार उन्हें मिले। इसके साथ आपको बता दें कि शॉपिंग मॉल में कुछ दुकानें रेस्टोरेंट को खोलने की इजाजत दी जा सकती है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन जरूरी होगा। प्रवासी मजदूरों की समस्या को दूर करने के लिए राज्यों को नई गाइडलाइंस में स्पष्ट निर्देश होगा। अधिकारियों ने बताया कि राज्यों को 11,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे ताकि वे लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की मदद कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, APNS न्यूज़।